जरा देखिए, सिर्फ देखिए नहीं, सुनिए तो, सिर्फ सुनिए नहीं, समझिए, हम रहनुमा है। ये भरोसे का संकट कैंप में हमको रखा जाता है तो हमारे पुरखों की कब्रगाह से इनको भी निकाला जाए, इनकी कब्रों को भी उठा करके डिटेंशन कैंप पर रखा जाए। मैं ही आप मेरे भाई, इस मुल्क की न्यायपालिका पर और इस मुल्क के संविधान पर हम सबको भरोसा है मेरे भाई, इंशाअल्लाह हमारी जीत होगी। फिक्र मत कर मेरे दोस्त, उसने कहा है कि एक इंच नहीं हटेंगे, इंशाअल्लाह वो बिल्कुल से सरकार से हटने जा रहा है। सिर्फ भरोसे का संकट नहीं, इसमें नाटक भी है। प्रयागराज के हसीब अहमद है, फिकर मत करने खुद को कांग्रेस ने कहा है कि एनआरसी और सीए के मुद्दे पर जिस तरीके से देश के अंदर करोड़ों महिलाएं केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रही हैं, और सीए और एनआरसी की जद में जो लोग आ रहे हैं उनको भारत से बाहर भेजने की रणनीति और तैयारी की जा रही है, तमाम मुद्दों को लेकर के हम अपने पुरखों के कब्रिस्तान गए थे, और वहाँ पर जाने के बाद अपने पुरखों से हमने सवाल ये किया कि आप इसी मुल्क में रहे हैं, इसी मुल्क में जमींदोज हुए हैं, यहीं पर आपकी कब्रगाह बनाई गई है, आज जिस तरीके से प्रोपोगंडा केंद्र सरकार फैला करके विभाजन की राजनीति कर रही है, यही सब बात करते हुए मैं भावुक हो गया। मगर मेरे आंसुओं को गलत तरीके से पेश किया गया, ये आंसू मेरे पुरखों के लिए नहीं थे, ये आंसू देश की आस्था के लिए थे, ये आंसू देश में जिस तरीके से करोड़ों महिलाएं आंदोलन कर रही हैं उनके लिए जाया हो रहे हैं, मगर मेरे आंसुओं की कद्र हिंदुस्तान की आवाम कर रही है, इसलिए हम अपने पुरखों की इस कब्रगाह पर जिस तरीके से आंसू बहाए हैं तो केंद्र सरकार से यही गुजारिश करेंगे कि अगर डिटेंशन कैंप में हम लोगों को रखा जाता है तो हमारे पुरखों की कब्रगाह से उनकी हड्डियों को भी निकाला जाए और उस कब्र को भी डिटेंशन कैंप में रखा जाए, तभी हम लोगों को सुकून मिलेगा, क्योंकि हम भारत के रहने वाले हैं, हम हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, हमारी हड्डियां अगर यहां गल रही हैं, हमारा खून पसीना यहां जाया जा रहा है, तो हम इसी मुल्क में जमींदोज होना पसंद करेंगे मगर इस मुल्क को छोड़ना पसंद नहीं करेंगे। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब